सलाम की अजमत पर दुरूद भेजो मोहम्मद। अहले बैत अत्हार अलैहिम सलाम की अजमत पर एक बार फिर दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। चाहने वालों में करार फरमाया, कयामत तक हमारी तमाम नस्लों को उनके जानसारों वफादारों में करार फरमाया। इंशाअल्लाह हमें अपने इमाम के ज़हूर का दिन देखना नसीब फरमाया, उनकी नुसरत की सआदत और इस राह में शहादत नसीब फरमाया। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले के मजलिस के आरज करूँ, दोस्तों ने बताया कि आज शहर में थोड़ा सा ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा थे और काफ़ी दोस्तों को परेशानी भी हुई आने में। बहरहाल इंशाअल्लाह खुदा ने मुताल इस इबादत को इस सख्ती की वजह से और ज़्यादा सवाब नसीब फरमाया, और अगर कोई इसकी वजह से मुश्किल में मुबतला हो तो अल्लाह से दुआ करते हैं उसकी मुश्किल में आसानियाँ नसीब। एक बार फिर अपनी सेहत और सलामती के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद। मजलिस का इनेकाद अज़ीमुश्शान बिनते अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत के एतराफ़ में और उनके किरदार को बयान करने के लिए है, उनके नाम से मंसूब है। बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत का एतराफ़ में दुरूद भेजे। मैं एक सादा से सवाल से एक बार दर्ज करूँगा, सवाल बहुत सादा है लेकिन इसका जवाब इतना सादा नहीं है। एक सादा सा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी खातिर ये सारी कुर्बानियाँ दी गई। सवाल तो बहुत सादा माशाल्लाह लेकिन इसका जवाब इतना सादा
नहीं। आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे उसूलों पे अमल करते हैं जिनको आप अपनी अपनी जबान से बयान भी नहीं कर पाते, लेकिन वो उसूल आपकी जिंदगी में अमल में आ रहे होते हैं। तो उनमें से एक असल ये है कि मैं भी उसको बजाए कि फनी जबान में कहूँ, टेक्निकल जबान में कहूँ, आम जबान में कहूँगा, ये कि अगर आप कोई चीज़ 10 रुपए की ले रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आपको बताओ कि उसकी कीमत 10 नहीं है और आप ले लें, ये नहीं होगा। आप सबसे पहले ये तय करेंगे इसकी इतनी कीमत है या नहीं है। तो अगर आपका इरादा इख्तियार है, जबर नहीं है, मजबूरी नहीं है और आप किसी और मुश्किल में नहीं है, तो आप कभी भी ये काम नहीं करेंगे। आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी चीज के ऊपर उसकी कीमत से ज्यादा कोई चीज कुर्बान नहीं करेंगे। तो मिसाल के तौर पर आपको अगर कोई चीज दरकार है जिसके लिए आपको 10 घंटे मेहनत करनी पड़े और उस चीज ने जो आपको फायदा देना हो वो इस 10 घंटे की मेहनत से कहीं कम हो, आप उसको लेने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर ये कानून आपके और मेरे जहन में आ गया तो फिर हमें अपने आप से एक सवाल करना पड़ेगा, वो कौन सी चीज है जिसकी कीमत खूने अली असगर से ज्यादा है, वो क्या है। ये जो इतनी कुर्बानियां दी गई हैं, इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी गई हैं, इतनी कुर्बानियां देने के बाद जो कुछ हासिल किया गया है वो क्या हासिल किया गया। दुरूद भेजेगा मुहम्मद वाला, अगर मुझे और आपको ये बात समझ में आ जाए तो फिर अपने आप से जब भी हम मजलिस में आए, जब भी हम अज़ा में आए, जब भी हम उनका जिक्र करें, खुद ब खुद एक सवाल पूछना पड़ेगा, जिसकी खातिर उन्होंने कुर्बानी दी उसकी हमने हिफाजत कर ली। माशाल्लाह भाई, एक बात तयशुदा है वो ये कि, और हम सब लोग बार बार इसको अपनी ज्यारतों में अर्ज करते हैं, दुआओं के अंदर कहते हैं। अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया आपने इलाही आमीन का मुझे कि अगर आप करबला में होते तो आपने जान देनी थी या नहीं देनी। ये सोचना ही इंसान को एक लुत्फ देता है कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। तो जब आप जान देते तो जो जान देते तो किसके लिए जान देते, जिसके लिए अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम न सिर्फ जान बल्कि उससे बढ़कर चीजें दे चुके। आज की दुनिया में उस चीज का अगर आप दिफा करना चाहें वो क्या होगा। और इस सवाल के जरिए से मैं और आप अपनी आज़ादारी को लेकर इस दुनिया से एक रابطे में आएंगे, क्योंकि दीन के मामले में एक बहुत अजीब परेशानी आती है, गुज़िश्ता दिनों में भी आई है। मुझे पहली बरादर ने कहा कि भाई मौलाना ज़रा कोशिश कीजिएगा उर्दू का कोई सकील मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो मैंने दीन की जमा भी दीनों कहा, अदियान नहीं कहा, भाई कहीं अदियान बोलूंगा तो फिर मुश्किल लग जाएगा। तो आपका ख्याल रखते हुए, हाँ ये होता है कि बाद जब मैं अपने अहले जबान के दरमियान बैठता हूँ तो मुझे मेरी इस जबान की वजह से बहरहाल मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन बहरहाल ये हदफ के लोगों को बात समझ में आए दीन की, ये उससे ज्यादा अहम है कि हमारी जबान क्या कहलाएगी। आप अपनी सेहत और सलामती और अपने दीन की मजीद इस्तेकाम के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद तो हमें तमाम ये जो दीन गुजरे हैं इनके अंदर ये मुश्किल पेश आती थी, मुझे कि दीन रह जाते थे, दीन के काम रह जाते थे, लेकिन वो जो दीन की फिक्र होती थी वो पीछे से खत्म हो जाती थी। तो मिसाल के तौर पर दीन आया था, किताब आई थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो किताब लेकर आए थे, वो किताब उन्होंने अपने मानने वालों को सिखाई। खुदा ने मुताल फरमाता है हमने इस किताब के अंदर हिदायत दी थी, हमने इस किताब के अंदर रहनुमाई दी थी, कुरान करीम का बयान नहीं।
बाद में ये हुआ कि जिन लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से किताब मिली, उन्होंने उस किताब को भी अपने फायदे में इस्तेमाल किया। यक्तबून अल किताब बेएदीहिम, वो अपने हाथों से लिखते थे और कहते थे यही खुदा की किताब है। लिहाजा ये मुश्किल पिछले अध्याय में भी हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ, और दीन के अंदर ये मुश्किल बहुत आती रही, और इस्लाम में कैसे आई वो आप सबके सामने है। मैं कोई जुमला इसमें ना कहूं कि वो कहीं किसी और तरफ चला जाए। अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ता है, इसकी क्या गारंटी है कि हम इस मुश्किल में नहीं फंसे? इसकी क्या गारंटी? इसकी एक गारंटी हो सकती है, खुदा न करे नाउज़ बिल्लाह ताला, अगर हमने दीनी काम के अंदर सोचने समझने की आदत छोड़ दी, फिर मुब्तला हो जाए, फिर हम फंस जाए। मैं इसको सोचने समझने की बात को, इसकी अहमियत को एक और अंदाज में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और अपने मौजू की तरफ दोबारा वापस आता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद। मैं कर सकता हूं कि जबान को आहिस्ता रखो, लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत कतन ऐसी नहीं है कि मैं जल्दी बोलूं, ये नहीं करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता ही बोलूं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे वैसे अच्छा ये लगता है कि मैं जरा तेज बोलूं, लेकिन इस वक्त ऐसी हालत है कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ ये भी बहुत जोर लगा के कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा आपको तहम्मुल करना पड़ेगा, मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही। कुरान करीम ने बयान फरमाया कि कुछ लोगों को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो उनसे जो डालने वाला है वो पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास दीन नहीं आया था, दीन नहीं आया तुम्हारे पास, नहीं आया था। तो उन्होंने कहा भाई जब दीन तुम्हारे पास आया था, किताब तुम्हारे पास आई थी, सब कुछ सही गलत तुम्हें पता चल गया था, तो यहाँ क्यों आए, यहाँ पे कैसे तुम आ गए? उन्होंने जवाब में ये कहना है, कुरान करीम ने इरशाद फरमाया है, लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाक़िलु मा कुन्ना मिन अस्हाबिस सईद, अगर हम सुनते होते और सोचते होते तो अब अहले जहन्नम में से ना होते। बस कुरान करीम ने अहले जहन्नम और निजात पाने वालों में जो लाइन खींची है वो लाइन ही यही, अगर सुनते होते, जाहिर है कोई चीज समझने के लिए पहला तो पॉइंट ये कि सुने तो सही, अगर सुनते होते, दूसरा पॉइंट ये सोचते होते, समझते सोच तो फिर हम अहले जहन्नम में से ना होते, सही। तो अब मेरे जैसे तालिबे इल्म को ये समझ में आ गया कि भाई तुमको अगर अपने दीन के अंदर निजात चाहिए, अगर तुम्हें अहले बैत अतहार की पैरवी चाहिए, तुम्हारा लाइन, तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन ये है, सुनो सोचो समझो, अगर ये काम करोगे तो तुम निजात पाने वालों में से। खुदा ना करे नाउज़ु बिल्लाह ताला, अगर सोचने समझने के काम को बंद कर दिया, फिर मसला बहुत मुश्किल है, फिर मामला बहुत मुश्किल है। अच्छा आप कैसे सोचें समझें, और फिर मैं कौन होता हूँ कि कहूँ कि भाई आप टेस्ट करें कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये भी ना करूँ कि कुछ ना अर्ज करूँ, एक स्टैंडर्ड देता हूँ, एक स्केल देता हूँ कि भाई इससे कैसे मैं नापूँ समझूँ कि भाई सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। एक बार फिर दुरूद भेजेगा बहुत सादा काम, जो भी आप इबादत अंजाम देते हैं वो सोच समझ के अंजाम देते हैं या बेसोचे समझे अंजाम देते हैं? अंजाम तो सोच समझ के ही देनी चाहिए थी, लेकिन क्या ऐसा होता है कि हम अपनी कुछ इबादतों को आदतन अंजाम दे देते हैं? क्या होता है ऐसा? मसलन माजर के साथ बुरा नहीं मानिएगा, अभी जो आपने दुरूद पढ़ा था वो सोच समझ के पढ़ा था या आदत पे पढ़ा था? मैं माजर चाहता हूँ, मेरा इरादा नहीं तनकीद करने का, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इस कैटेगरी से बहुत आसानी से निकले हुए,
नहीं इतनी आसानी से नहीं निकले, इसके लिए मेहनत करनी, काफी मेहनत करनी। तो मिसाल के तौर पर मैं तो कहूंगा आप बारीकियों में जाए, आपका दीन बना ही भेजा ही फिक्र के ऊपर गया है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई ये जो तुम लोगों ने मिंबर रखा है इसकी क्या फिक्र है, आपके पास इसकी दलील होनी चाहिए, आपके पास दलील होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे ना कि मौलाना आपने खुतबे के शुरू में हम पढ़ी फिर ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, दलील क्या है, दलील होनी चाहिए आपके पास। हाँ, ये दीन बे सोचे समझे लोगों का दीन नहीं है, ये दीन अहसनुल खालिकीन ने भेजा है जो अहकमुल हाकिमीन है, उसने सब कुछ सोच समझ के भेजा है और हमें इस बात की दावत दी कि तुम भी सोचते समझते रहो। अब अगर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई आप दीन के छोटे से छोटे हुक्म पर भी सोचें समझें, तो फिर क्या आप बाकी दीन के अहकाम को छोड़ दें, नहीं, सब पे सोचें। अब अगर सोचना शुरू करें तो फिर मैं अपने आप से फिर दोबारा वही सवाल दोहराता हूँ, वो कौन सी अजीम शान चीज है जिसकी खातिर ये कुर्बानियां दी गई। भाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें फाखर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके मानने वालों, आपके अजद अपने रिश्तेदारों में जानने वालों में, मुमकिन है आपके फौरी खूनी रिश्तों में कोई ऐसा होगा जो अजा के नाम पे शहीद हुआ होगा, और मैं तकरीबन गारंटी से कह रहा हूं कि शायद ही यहां कोई ऐसा बैठा हो जिसके पीछे नस्लों में अजा के नाम पर खून ना दिया गया हो, सबने दिया है। अगर ऐसा है तो जिसने खून दिया था वो हमसे नहीं पूछेगा कि तुमने अजा को बेसोचे समझे क्यों किया, तुम्हें भी तो सोचना चाहिए था। अब मैं एक अब जो दो तीन सख्त बातें तो कह चुका हूँ, एक और सख्त बात करना चाहूंगा और उसमें मैं एक और रास्ते से वारिद होता हूँ, उसका सहारा लेता हूँ एक वाकये का। वाकये में ये होता है आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और आपको आसानी भी हो जाती है। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मुकम्मल, हमें बताया गया कि जो इनेकाद किया गया है वो एक दुआए नुतबा की कमेटी है, उन्होंने किया, तो ये वाकया उनके लिए भी एक टच दे देगा। तो कराची में एक आलिम ने दुआए नुतबा शुरू की थी, उस जमाने में छुट्टी जुम्मे के दिन होती थी, जुम्मे की सुबह को उन्होंने दुआए नुतबा शुरू किया और वो कराची में बहुत फैले, तकरीबन हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं जुम्मे की सुबह को दुआए नुतबा होने लगे। बाद में गवर्नमेंट ने कलाबाजी खाई और उन्होंने छुट्टी जुम्मे की जगह इतवार को कर दी। अब हमारे मोमिनीन ने ये कहा कि भाई हम तो गवर्नमेंट का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम दीन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी निकाल लेते हैं कि अब हम दुआए नुतबा भी इतवार को ही करेंगे, तो वो दुआए नुतबा इतवार को होना शुरू हो गए। अब जाहिर है कि ये बात सही नहीं थी, होनी तो जुम्मे को चाहिए थी, लेकिन लोगों ने कहा भाई मौलाना छुट्टी नहीं होती, उसमें छुट्टी होती है, लोग जमा हो जाएंगे, अच्छा है मौला का जिक्र ये, तो वो इस तरह से फिर वो इतवार की सुबह को होने लगी। हमारे मोहल्ले में भी होती थी और उस जमाने में एक मोहल्ले में रहता था, चूंकि इस वाक्य में थोड़ी सी एक तंज तनकीद है तो हम मोहल्ले का नाम क्यों लूं, बेचारे वो बदनाम होते, तो उस मोहल्ले में वो दुआए नुतबा होती थी, तो उन्होंने कहीं हमें दुआए नुतबा के लिए बुला लिया। हर दुआए नुतबा के बाद मेज़बान अगर चाहे तो कोई एक मौलाना 15-20 मिनट के लिए कुछ छोटा सा दर्स भी देते थे, तो उन्होंने हमें बुला लिया कि वो आप तशरीफ लाए, हम हाजिर हो गए। तो हमने वहाँ पर एक बात कही जो मैं अभी बाद में बताऊंगा अभी आपको। खैर वो हमने दौरान दर्स मजलिस वो अर्ज किया और हम नीचे आए तो एक साहब हमारे पास आए, उन्होंने क्या कहने लगे, मौलाना आपने तो मेरा सारा काम ही खराब कर दिया। मैंने कैसे काम खराब कर दिया, कहने मौलाना इतनी मेहनत से मैं 4 हफ्ते से दुआए नुतबा में आ रहा था, आज चौथा हफ्ता था, आपने तो मेरा सारा काम ही बिगाड़ दिया। अब मैं हैरान कि भाई मैंने क्या कह दिया, कहने लगे कि मैं एक नियत लेके आया था, असल में किसी ने मुझसे कहा था कि अगर यहाँ तुम 4 मरतबा दुआए नुतबा में आ जाओ तो तुम्हारी फना हाजत पूरी हो जाएगी, आपने मेरा सारा काम ही खराब कर दिया, आपने तो कुछ और ही कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने किया क्या, अब सुनिए मैं उन्होंने पॉइंट कहाँ से निकाला था।
हमने अर्ज किया था कि भाई ये जो आप दुआ रुतबा में आ रहे हैं ये असली काम नहीं है, ये याद आवरी है उस काम की जो आपने बाहर निकल के करना है। भाई दुआ रुतबा में आप क्या कहते हैं, मौला आप कब तशरीफ लाएंगे, आप क्यों तशरीफ नहीं लाए, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, ऐन अल हब्ल अल मुत्तसिल, ये सब बातें आप कर। इस 25 मिनट में कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये जो आप वादे वईद कर रहे हैं ये कब के लिए कर रहे हैं? जब आप यहां से निकलेंगे अपनी आम जिंदगी में वापस जाएंगे उसके लिए आप इमाम से वादे कर रहे हैं, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, मैं आपके लिए तैयारी करूंगा। माशाल्लाह भाई, ये जो आप सुबह सुबह दुआए अहद में कहते हैं कि मुजरदन सैफी शाहरन सैफी मुजरदन कनाती मुलबिया दावत दाए फिल हाजिर वल बादी, उस वक्त तो ना आपके हाथ में कोई शमशीर है ना कोई नेजा है। तो ये कब की बातें कर रहे हैं आप? उस वक्त की बातें कर रहे हैं जब यहां से निकल जाऊंगा मैं, ऐसे तैयार रहूंगा। सही है। तो ये जो हम दुआ पढ़ रहे होते हैं ये उस 25 मिनट के लिए नहीं होती है, ये तो उस वक्त आप एक बैत आप अहद एक दावत एक लबैक ये कह रहे होते हैं, असल काम बाद में होता है। नमाज में भी ऐसे ही है, नमाज में भी ऐसे। इकामे सलात ये 15 मिनट नमाज पढ़ना नहीं है, दो नमाजों के दरमियान अल्लाह का बंदा बनना है। सुभान अल्लाह। इकामे सलात क्या है? इकामे सलात ये नहीं है कि आप एक इमाम जमात खड़ा हो गया उसके पीछे नमाज लग गई और जनाब इकामे सलात हो गया, ये नमाज पढ़ी है, नमाज कायम नहीं हुई है। कायम कैसे होती है? जब दो नमाजों के दरमियान नमाजी अल्लाह का बंदा बन के जिंदगी गुजारता है तब नमाज कायम होती है। आवाज़े बुलंद सलावा। अज़ादार कौन? सच्चा अज़ादार हुआ है जो अज़ादारी के बाद इमाम के काम आए। ये नहीं कि 25 मिनट एक घंटा डेढ़ घंटा अज़ादारी करे घर जाए और उसके बाद अल्लाह हाफिज। मैं एक माजर के साथ क्योंकि जब सख्त बातें करता हूँ तो थोड़ा सा हल्की बात करके प्रेशर रिलीज करवा देता हूँ। करना पड़ता है ना। मैं एक जगह जॉब करता था स्कूल में, तो वहाँ पे दो तरह के टीचर होते थे, एक पार्ट टाइम होता था एक फुल टाइम होता था। फुल टाइम जो होता था वो 8 घंटे पढ़ाता था, पार्ट टाइम मैं पार्ट टाइम था 3 घंटे पढ़ाता था। तो मिसाल के तौर पर ये पार्ट टाइम फुल टाइम उस स्कूल के कल्चर का हिस्सा था। जो दो टीचर एक दूसरे से मिलते तो पूछते थे भाई तुम फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो। सही है। तो मेरे जहन में किसी ने एक सवाल आया, वही कि जो दीन का काम है ये पार्ट टाइम है या फुल टाइम है? अब मैं बोलूं ये लाइफ टाइम है भाई। पार्ट टाइम भी फुल टाइम भी 8 घंटे होता है, 16 घंटे बाकी क्या है? बेदीन है क्या? नहीं, वो भी दीन है। फुल टाइम जो काम करता है वो भी बिलाखिर इतवार को तो छुट्टी कर लेता है, दीन में है कोई छुट्टी? ये लाइफ टाइम है। अब अगर कोई ये समझ रहा है आज़ादारी ये है कि मैं 2 घंटे के लिए आऊं और चला जाऊं और मामला खत्म, ये तो पार्ट टाइम भी नहीं है फिर। तो पार्ट टाइमर भी नहीं हुआ भाई। आपको मैं कोई कहूँ जॉब ऑफर करूं कि भाई आपकी जॉब क्या है? आपकी जॉब ये है कि आप हफ्ते में 1-2 दिन आइएगा, 1-2 घंटे बैठिएगा, करना कुछ नहीं है, बैठे रहना है, कभी कभी जबान हिला लीजिएगा, बाकी कर जाना। ये नौकरी है? ये नौकरी 2006-07-05 याद भी नहीं आ रहा, अभी मशहद गया और मौला से कहा कि मौला मैं दुनिया में स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की नौकरियां कर करके तंग आ गया, 10 साल हो गया मुझे पाकिस्तान आए नौकरियां करते करते, अब आप मुझे अपनी नौकरी दे दें। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाला।
अपनी सेहत सलामती के लिए मौलाना की सेहत सलामती के लिए दुरूद भेजा। तो अगर कोई इस तरह से करे कि जाकर इमाम से ये कहे मौला मुझे आपकी नौकरी चाहिए, हमें आपसे एक बात पूछ, मौला से जाकर ये कहूँ मौला नौकरी तो करूँगा लेकिन पार्ट टाइम करूँगा, ये आपको अच्छा लगेगा? मौला नौकरी तो करूंगा ना, उस बिल्ला 8 घंटे आपके काम आऊंगा, 16 घंटे में बनी उमैया के पास जाऊंगा, ये कोई कर सकता है ये? अच्छा उनका तो उनका अंदाज ये है, अगर आप उनको बोलो कि मौला मैं 23 घंटे आपके साथ हूँ, 1 घंटे बनी उमैया के साथ, तो उस बंदे से क्या कहेंगे? बाकी 23 भी वहीं जाओ, यहाँ क्यों आए? हमारे पास रिवायत मौजूद है, ये मेरा कहना थोड़ी है, रिवायत मौजूद है। सफवान जमाल मौला साहब के इमाम की खिदमत में हाजिर हुए, दुरूद भेजेगा मोहम्मद खिदमत में हाजिर हुए, इमाम ने कहा तुमने हारून और रशीद को हज पे जाने के लिए ऊंट किराए पे दिए, उनका बिजनेस था माजर के साथ रेंट अ कार का, कार किराए पे किसको दिए? हारून रशीद। कहा तुमने उसको किराए पे दिए ऊंट? मौलाना ने जब ये कहा तो इन्होंने अपने दिफा में कहा कि मौला अगर वो हज पे ना जाता, शिकार पे जाता, लश्कर बना के कहीं जाता, मैं नहीं देता, हज पे जा रहा। इमाम ने कहा कि इतना तुम्हारा दिल चाहेगा कि हज पे वापसी तक जिंदा रहे ताकि तुम्हें तुम्हारे ऊंट तो मिल जाए, इतना चाहेगा दिल? हाँ इतना तो चाहेगा। इमाम ने फरमाया यही कि थोड़ी देर चाह रहे हो कि ये जालिम जिंदा रहे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी वो क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे तुम्हारा इतना अटैचमेंट भी हमारे दुश्मनों के साथ हमें पसंद नहीं है, भूल जाओ। सफान लफ्ज के मोमिन नहीं थे, अमल के मोमिन थे। वो कहने लगे मैं समझ गया मौला। अब सोचिए एक आदमी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके एक बिजनेस लगाया, उस बिजनेस को इतने ऊपर तक पहुंचा दिया कि वक्त का बादशाह उससे किराए पे ले रहा है। हारून रशीद के पास फौरन गए, कहा हारून रशीद को कि ए हारून रशीद मैंने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया, मैं ऊंट नहीं दे सकता, मैंने बिजनेस ही खत्म कर दिया। कहने लगा क्यों बिजनेस खत्म कर दिया? कहने लगा मुझसे नहीं संभलता। हारून रशीद बहुत तेज आदमी, अब मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा था कि मैंने कहा छोड़ दूं। फिर तीन आदमी था। फौरन कहता है मुझे पता है कि तुम क्यों छोड़ रहे हो, अगर तुम्हारी मेरी पुरानी दोस्ती नहीं होती तो इस पर कत्ल करता। तुम्हारी मेरी पुरानी दोस्ती है इस पर मैं छोड़ रहा हूँ तुम, अगर नहीं होती तो मैं कत्ल करता, मुझे पता है तुम्हारे इमाम ने मना किया। यानी इमाम ने तो मना किया ही था, या उसको भी पता था कि इमाम का मिजाज क्या है, बदकिस्मती से हमें नहीं पता, हमें नहीं समझ आई। बस अगर आपने और मैंने सही अजा करनी है, ये अजादार आया चंद घंटे का अजादार है या पूरी जिंदगी का अजादार है? पूरी जिंदगी का अजादार है। अब मैं आपकी खिदमत में एक और मिसाल अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाला। देखिए आप लोग माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और आप लोग होशियारी में भी बहुत अच्छे। वो कैसे? जब मैं मिंबर पे आने लगता हूँ तो मैं मिंबर को चूमता हूँ, अभी भी आपने देखा होगा,
अगर मैं किसी दिन ना छू तो मुझे ये तकरीबन गारंटी से पता है कि कोई ना कोई मुझसे मुझे कह देगा मौलाना ये पार्ट आपने मिस कर या भूल गया। सही कहना सही है या गलत है? बिल्कुल सही। करूं तो फौरन क्या करूं? सही। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, ये सारी बारीकी और एहतियात सिर्फ इमाम बारगाह के अंदर सही है, बाहर क्यों नहीं? ये सारी बारीकी और एहतियात इसमें रखते हो कि इमाम बारगाह के अंदर जो एक दो घंटा है वो उसूल के मुताबिक गुजर जाए और बाकी जिंदगी कहाँ गुजर रही है? उसमें किसके साथ चल रहे हो, किससे दोस्ती कर रहे हो, किसके साथ जिंदगी गुजार रहे हो, किसके साथ मफादात वाबस्ता किए हुए, इसे नहीं पूछते एक दूसरे से? अब अगर सोचो तो वो दिन जो बाहर आप गुजार रहे हो उसकी खातिर कुर्बानी दी गई है कि तुम दीन के ऊपर अमल करो। सैयदुश्शुहदा ने यही फरमाया था, इनकाना दीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफ खुजीनी, अगर दीन मोहम्मद की बका इसमें है कि मैं मारा जाऊं तो आओ तलवारों मुझे मार दो। अब दीन एक नजरिया है किताब के अंदर, इमाम ने उस नजरिए की खातिर जो हवा में रहे उसके लिए कुर्बानी दी है या उस नजरिए के लिए कुर्बानी दी जो जमीन पे जारी हो, जमीन पे जारी होने के लिए कुर्बानी दी है? ये जो इमाम तशरीफ लाएंगे, कारनामा जो होने वाला है, जो कुछ किताबों के अंदर दीन लिखा था वो दीन 1400 साल के बाद मसलन इंशाअल्लाह आज रात तशरीफ लाए, दीन अमल होगा, सारा इंतजार उस अमल के लिए। तो एक अजादार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अजादार की जिम्मेदारी यह है यहां पर आए, सीखे दीन क्या है, दीन की हिफाजत क्या है, दीन को फैलाना कैसे है, इसको सीखे और यहां जहां से जाने के बाद उस पर अमल करके दिखाए। अब ये सच्चा अजादार है। अच्छा, अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर मैं कहूंगा भाई हर स्कूल के अंदर क्लासें होती हैं, कोई पहली क्लास में होता है, कोई दूसरी क्लास में होता है, कोई तीसरी क्लास में होता है। स्कूलों में वो क्लासें मुख्तलिफ कमरों में बिठाई जाती हैं, हमारे यहाँ मजलिस में एक ही हॉल में सारी क्लासें बैठी होती हैं, यहाँ सब लोग बैठे होते हैं, एक पहली क्लास में बैठा होता है, एक दूसरी में बैठा होता है, एक दसवीं में बैठा होता है। लेकिन करने का काम यह है, दीन सीखो, दीन पे अमल करो। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं चंद छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। और कल परसों एक और नुक्ते के ऊपर बात की थी कहीं, तो उसको भी थोड़ा सा जिक्र करता हूँ और मेरे ख्याल में बहुत अहम था। दुरूद भेजेगा मोहम्मद। कल परसों किसी ने, कल परसों इसलिए कह रहा हूँ कि वो ट्रैवलिंग भी ज्यादा होने की वजह से कुछ याद नहीं रहता कब ये बात हुई, तो अब वो एहतियातन के तरफ एक जगह बाकी रह जाए दिफा के लिए। किसी ने पूछा कि मौलाना अगर हम चाहते हैं अपने इमाम के काम आए, हम ऐसे बने कि अपने इमाम के काम आए, अहम तरीन पॉइंट्स कौन से? किताब तो बहुत बड़ी होती है, छोटा सा कोई नुक्ता बता। अच्छा, हम लोग मामूलन तालिबे इल्म ये काम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, और भाई इल्म कम होता है। अल्लाह के नबी के पास आकर कोई ऐसा करता था, अल्लाह के नबी उसको करवा देते थे, अल्लाह के नबी करवा देते थे। दो वाक़या तेजी से सुनाता हूँ इस बात के ऊपर कि कोई आया, उसने ऐसी एक बात कही और अल्लाह के नबी ने उसे करवा दिया। एक बंदा आया, वो बड़ा ही सादा तबीयत का बेचारा और अच्छी पाकीज़ा तबीयत का, वो अल्लाह के नबी के पास आया और उसने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, पता नहीं कहाँ कहाँ से सफ़र करके आया था और उसको वापस भी जाना था, और वो कहने लगा कि मैं दूर से आया हूँ और मदीने पहुँचाऊँ और मुझे मगरिब से पहले, रात होने से पहले घर भी पहुँचना है, ठीक है, आप मुझे जल्दी से दीन सिखा दें। तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ मैं सिखा दूँ, तो उन्होंने एक साहबी से कहा कि इसको साइड में ले जाओ, ये आयत सिखाना सिर्फ एक आयत, बाकी नहीं सिखाना।
एक आयत सिखाना, और पहले से नबी ने बता दिया ये दोहराने को कहेगा, ये दोहराने को कहेगा, एक दफा में नहीं सुनेगा, दो तीन दफा कहेगा दोहराओ, सब्र से दोहराओ। वो ले गए, उन्होंने उनको सिखा दी हुआ है, उसने हस्बे दस्तूर जैसे कि नबी ने फरमाया था कहा दोबारा बताना, उन्होंने दोबारा कहे, फिर उसने फिर सर झुकाया, सोचता रहा, फिर कहा एक दफ़ा और बताओ, क्या एक और दफ़ा बता दिए। उसके बाद उसने कहा कि ठीक हो गया, मैं समझ गया, चलो। वो नबी के पास आया और नबी के पास आकर उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैंने आपका दीन सीख लिया, अब मैं जाऊँ? नबी ने कहा जाऊँ, ये तो कहानी हो गई। मसला ये हुआ कि जब वो जाने लगा ये कह के कि मैंने दीन सीख लिया, मैं जाऊं, अब वहाँ मेरी तरह के लोग बैठे थे जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई थी, और वो ये परेशान कि हमें तो 20 साल लग गए दीन सीखने में, ये बेचारा नौ बारे एक दिन में ये बड़ा ही कोई शॉर्ट कोर्स लेकर आया कि करके भी जा रहा है। और अब ताज्जुब की बात अजीज़ो यहाँ पर यह, मैं इसको बहुत दफ़ा दोहराता हूँ, ताज्जुब की बात यह है, अगर ये जुमला नबी का ना होता ना तो मेरा जैसा यही सोचता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स जाहिल आया था और फकीह बन के वापस जा रहा है। फकीह यानी इसने इल्म दीन की गहराई को हासिल कर लिया है। वो एक आयत इतनी सादा आयत है कि अपने ऊपर शर्मिंदगी होती है कि मुझे तो वो आयत बचपन से याद है, लेकिन मैं फकी नहीं बन पाया, तो मैं क्यों नहीं बन पाया? लौकुन्ना नस्माओ और ना खिलो, अगर मैं सुनता होता और सोचता होता, मैं यामल मिसकौल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं यामल मिसकौल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये पूरे दीन की बुनियाद है, ये पूरे दीन की बुनियाद। तो अल्लाह के नबी ऐसे कर लेते थे, आया उसने ये कहा, अल्लाह के नबी ने कहा ये आयत सीख लो, उसने सीख ली, मामला खत्म हो। अब उसने अपनी जिंदगी के लिए तय कर लिया कि देखो जो करोगे वो देखना पड़ेगा। अब वो हमेशा एक स्टैंडर्ड बना के बैठा हुआ है कि यहाँ 50 साल की जिंदगी है, जो देखना है वो 50 लाख साल से ज्यादा है, अब जो देखना है वही करना है जिसकी देखने की ताकत। एक वाकया, एक और वाकया था, एक ग्रुप आया नबी के पास, ग्रुप था 10-12 अफराद, 8 अफराद, कितने थे मुझे नहीं मालूम। वो आया, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, हमने आपका दीन सीखा, उसमें जो आपने वाजिबात बताए वो वाजिबात हम करते हैं, हम आपके पास इसलिए आए कि वाजिबात के अलावा कोई एक नुक्ता हमें बता दें, वाजिबात पे तो अमल करेंगे, एक नुक्ता और हमें बता दे, उस पर हम वादा करते हैं कि हम अमल करेंगे जी जान से, आप वादा करें कि हमें जन्नत में लेके जाएंगे। अब मैंने बताया हम तालिबे इल्म तो नहीं कर सकते ऐसे, अल्लाह के नबी ने कहा हाँ मैं वादा करूंगा, तुम मेरे से वादा करो। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी तुम चाहे अभी वापस आते हैं। वो गए वापस, लोगों को बिठाया उसने जो उनका लीडर था, उसने कहा देखो जिसने वादे को तोड़ना है अभी बाहर चला जाए, मजाक नहीं है कि हम अल्लाह के नबी से वादा करने वाले, ये हमारी आखरत का बहुत बड़ा सौदा है, ठीक है। जिसने नबी के बताने के बाद ये देखता है मेरे अंदर ताकत नहीं होगी, अभी बाहर चला जाए, मेरे साथ वही चलो जो वादा करोगे कि जो नबी ने अब कहना है उसके ऊपर सारी जिंदगी मुंह ब मुंह यानी बाल बराबर भी फर्क नहीं लाने देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और मुझे नहीं मालूम सब लोग आए, कुछ लोग आए, जो कुछ भी, वो दोबारा आए नबी के पास, कहा अल्लाह के नबी हमने वादे कर लिए, हम तैयार हो गए। अल्लाह के नबी ने एक सादा सी बात कही, कहा मुझसे वादा कर लो कि अपने जैसे इंसानों से कभी कुछ नहीं मांगोगे, मैं तुम्हें जन्नत का वादा करूँगा। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपने यही कहा है ना कि हमने अपने जैसे इंसानों से कभी कुछ नहीं मांगना, कहा यही कहा। अब उन्होंने सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में की, पानी मांगता था वो नहीं मांगूंगा, उससे पैसा मांगा था वो नहीं मांगूंगा, सारे कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने कहा नबी हम वादा करते, अब वादा कर लिया।
ना किसी से नुसरत मांगेंगे, ना किसी से पैसा मांगेंगे, ना किसी से पानी मांगेंगे। इस कौम का ये आलम होता था, अगर आपको जहन हो, अरब जो लिबास पहनते हैं वो हम निशानी के तौर पे ये अबा पहनते हैं, ये बड़े लंबे लंबे लिबास होते हैं। इन लिबासों को पहनकर ऊँट किसी सवारी पर बैठने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है। एक तो जंग में लिबास पहनते थे वो तो वैसे ही बैठ जाते थे, लेकिन अगर पूरा फुल ड्रेस में हो तो उसमें जानवर पर बैठने के लिए, सवारी करने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए होती थी। यानी अगर आप उतर गए एक दफा और कोई आपके अतराफ में नहीं है तो फिर दोबारा बैठना बहुत मुश्किल है आपके लिए, सही है। लेकिन इन लोगों का ये आलम होता था कि अगर ये किसी जानवर पर जा रहे होते थे पूरे कपड़े के साथ और कहीं इसके हाथ से कोई चीज गिर जाती थी तो ये किसी से नहीं कहते थे कि वो उठा के दे दो, ये वहीं पे रुकते थे, जानवर से उतरते थे, उस चीज को उठा के जानवर पे रख लेते थे, फिर लेकर उसको चलते थे कि अब जहाज बैठने का मौका मिला, लेकिन किसी से मांगते नहीं थे। सही है, ये दीन के अंदर ये कारनामा हो सकता है। तो मैं दो तीन पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि भाई आप दीन पे अमल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने इमाम के काम आए, आप चाहते हैं कि आजादार होने के नाते आपका किरदार लोगों को यहां पर लेकर आए, सही। दो तीन पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आसान नहीं होंगे। ये नहीं समझेगा कि मैं आपसे कहूंगा रात को सोने से पहले दो कुल वल्ला पढ़ लेना मामला सही हो जाएगा, ये मैं नहीं कहने वाला। दुरूद भेजे मोहम्मद आपने इन दोनों वाक्यों में देखा कि अल्लाह के नबी ने कोई जिक्र की बात नहीं की, अमल की बात, माशाल्लाह अमल की बात। अच्छा, अब मेरे ध्यान में बहुत सारे इन पॉइंट्स के सबूत मौजूद हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और मूसा भाई टाइम के मामले में बहुत सख्त ये आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है, तो मैं इनका ख्याल करूंगा, तो लिहाजा मैं प्रूफ्स और सबूत अभी नहीं दूंगा, आपको सिर्फ पॉइंट्स अर्ज कर दूंगा और बाकी सिर्फ याद दिलाऊंगा कि शायद आपने कभी कोई वाकया सुना हो कि एक बंदा था उसने इमाम से मिलने के लिए चिल्ले काटे, उसे पता चला इमाम से मिलना है तो उस शहर में चले जाओ, वो वहाँ चला गया, फिर उसे कहा कि एक आदमी बूढ़ा है वो ताले बनाता है वहाँ चले जाओ, वहाँ पहुँच गया, वहाँ पे एक खातून आई, उन्होंने उसको ताला दिया, कहा ये ताला मुझसे खरीद लो, उसने कहा कि ये मैं 4 रुपये में खरीदूंगा, उसने कहा बाजार में कोई 2 भी नहीं देता था तो मुझे 3 दे दो, उसने ताला वापस रखा, कहा बीबी ये 4 का ताला है मैं 3 में नहीं खरीदूंगा, ये 4 में ही खरीदूंगा, मैं अपने रिस्क को 1 रुपए से हराम नहीं करूंगा, ये 4 का है। तो उसने दुआएं दी, 4 रुपए लिए और चली गई। इमाम ने इसको देखा ये जो चिल्ले काट रहा था और उस बूढ़े की तरफ इशारे करते हुए कहा कि अगर तुम इतने ईमानदार होते तो हम तुम्हारे पास भी आ गए। पहला पॉइंट, अगर मुझे अपने इमाम की खिदमत करनी है, अगर मुझे अपने इमाम का साथ देना है, मुझे सच्चा आजादार बनना है, ऐसा आजादार कि जो खुद व खुद लोगों को अहले बैत के नजदीक ले आए, ऐसी ईमानदारी दिखाओ, ऐसी ईमानदारी, लोगों को ये पता हो कि ये आदमी कभी धोखा नहीं, ये लोगों को पता। अगर आप और मैं ऐसे बन गए, यकीन मानो मैं आपकी खिदमत में याद कर सकता हूं, शायद गैबत हमारे लिए खत्म हो जाएगी, शायद। पहला पॉइंट क्या है, ईमानदार। अच्छा, आप इस ईमानदारी के साथ दूसरा पॉइंट तेजी से करूं, दूसरा पॉइंट क्या है, एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में सच्चाई, एक लफ्ज उसका अरबिक वर्ड है लेकिन थोड़ा सा मफहूम मुख्तलिफ हो जाता है, उसको हम कहते हैं सदाकत, वही सच्चाई सदाकत बनती है, लेकिन उर्दू जबान में जब सदाकत इस्तेमाल करते हैं तो वो जबान की सच्चाई से बढ़कर है। वो सदाकत क्या है, सदाकत ये है, वो ये कि कोई मेरे पास आया और उसने कहा कि मौलाना मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए, मुझे कोई 1-2 लाख यूरो कहीं पे लगाने, कहीं बताएं कहाँ लगाऊं, तो फौरन मेरी खोपड़ी में आता है कि मेरा भी तो एक बिजनेस है, ये सदाकत है, सदाकत चाहिए, जबान की सच्चाई तो चाहिए चाहिए, जबान से जो झूठ बोले तो 40 दिन तक तो दुआ कबूल नहीं होती,
जबान की सच्चाई तो चाहिए चाहिए, सच्चाई के पीछे सदाकत भी चाहिए। अगर किसी को इमाम का साथ देना है तो उसको पहले मरहल में ईमानदारी चाहिए, उसके साथ सदाकत चाहिए। अब आप इसको सिर्फ सच्चाई बोल देता ना तो ये पूरा कन्वे नहीं कर रहा था। हाँ, ये दो भी काफी हो गए, लेकिन मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ ताकि इसके साथ पूरा एक निजाम करीब करीब पूरा निजाम एक बने। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले पर। मैं मिसाल बहुत देता हूँ, बार बार देता हूँ। ये मिसाल समझाने के लिए बहुत आसान होती है। स्कूलों कॉलेजों में जाता हूँ कभी लेक्चर देने के लिए, वहां पे भी मिसाल देता हूँ, मजलिसों में भी देता हूँ, वो मिसाल ये है। और ऐसा होता भी है। मसलन फर्ज कर लीजिए कि आप कुछ बंदोबस्त करते हैं, आप कुछ चीज़ों में काम वाम करते हैं। मिसाल, किसी ने मुझे 5 सेब दिए और कहा मौलाना ये लोगों में दे दीजिएगा, एक खुद भी रख लीजिएगा। मैं कौन सा रखूंगा? जो सबसे बेहतर होगा। सही है, चंगा सबसे अच्छा रखूंगा। मैं एक बात पूछता हूँ, ये अमानतदारी हो गई? नहीं। अच्छा, इस अमानतदारी के लिए क्या चाहिए? इस अमानतदारी के बिल्कुल साथ साथ, किसी को अगर अमानतदारी करनी है, इसके बिल्कुल साथ साथ छिपका हुआ एक और लफ्ज है, खामोशी से बैठा हुआ है, वो क्या है? कुर्बानी और ईसार। माशाल्लाह, कोई अमानतदारी में पूरा नहीं उतरेगा जब तक कुर्बानी और ईसार नहीं होगा। अब मैं अर्ज करता हूँ, 5 सेब वाले मामले में 5 सेब दिए, उसने कहा मौलाना एक आप भी रख लीजिएगा, सही है। बेईमानी क्या होगी? 5 खुद खा गए, ये बेईमानी तो खुली बेईमानी होगी, सही। और क्या हो सकती है? जरा कम कर लेते हैं, कम ये हुई कि उसने कहा था एक रख लें, मैंने कहा एक तो अपने लिए है, बिलाखिर ये बच्चे भी तो होते हैं, 2-3 रख लेता हूँ, 2 दे देता हूँ, चलो आधा आधा कर लेता हूँ, ये सब बेईमानी, सही है। उसने कहा था एक रख लें तो सबसे अच्छा रख लेता हूँ, आप लोगों ने कहा कि ये भी अमानतदारी नहीं है, सही। अमानतदारी कहाँ से शुरू होगी? यहां तक तो अमानतदारी नहीं तो बेमानी है, पक्की बेमानी है, अभी आप लोग खुद ये कह रहे हैं। अमानतदारी कहां से शुरू होगी? अमानतदारी यहां से शुरू होगी कि मैं उन 5 में से एक एवरेज सेब निकालूं और कहूं ये मैं रखा, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा, उसने कहा था एक रख लेना, एवरेज रख लेता हूं, और बाकी 4 जैसा उसने कहा था वैसे मैं तकसीम कर देता हूं। ये हो गई, यहां से अमानतदारी शुरू हुई है। अच्छा, अब मुझे अमानतदारी में थोड़ी एहतियात भी दिखानी है, सही है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा देखो उसने मुझसे कहा था एक आप रख लीजिएगा, बिलाखिर जो सबसे खराब है वो भी तो किसी के नसीब में जाएगा, मैं वो ले लेता हूँ। अब अमानतदारी से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ मामला, तो उसने कहा कि मैं वो रख लेता हूँ जो सबसे खराब है, क्योंकि वो भी तो किसी के पास जाएगा ना बिलाखिर, सही है। ये अमानतदारी में थोड़ा बढ़ गया। फिर उसके बाद एक और बात समझ में आई, वही कि ये बेचारा एक मुझे दे रहा है ताकि मैं 5 खा ना जाऊं, इसका असली मकसद मुझे देना नहीं है, इसका असली मकसद बाकी लोगों को पहुंचाना है। ये मुझे बीच में बिला वजह में दे रहा है ताकि मैं भी काम को ढंग से कर दूं। अमानतदारी ये है कि बेहतर ये है कि 5 दे दो आप। अब ये इसमें ईसार आ गया, बिल्कुल अमानतदारी की इब्तिदा तक आने के लिए कुर्बानी चाहिए, और अमानतदारी के कमाल तक आने के लिए ईसार चाहिए, ईसार चाहिए। जिसमें ये 3 क्वालिटीज आ गई, ईमानदारी, सच्चाई, सदाकत और अमानतदारी, अगर किसी में ये 3 क्वालिटीज आ गई उस बंदे के लिए गैबत खत्म हो जाएगी।
क्या मतलब गैबत खत्म हो जाएगी? वो ऐसे जिंदगी गुजारेगा जैसे जमाने हुजूर में जिंदगी गुजारेगा, ऐसे जिंदगी गुजारेगा। अच्छा, अब आप मुझसे कहेंगे मौलाना आपने ये क्यों नहीं कहा कि वो वाजिब नमाजें पढ़ता हो? जो बंदा अमानतदारी में इतना आगे हो वो क्या ये नहीं सोचेगा कि मेरा पूरा वजूद खुदा की दी हुई अमानत है? वो तुम क्या सोचो कि वाजिब नमाजें नहीं पढ़ेगा? वो तो फिर खुद ही खयानत कर रहा होगा अगर वो ही नहीं करेगा, क्यों दिया फिर उसको वजूद? तो भाई ये सब चीजें आप अपने किरदार से शुरू करेंगे। आप कहेंगे मैंने आपको पहले वक्त पर कह दिया था, मैं कोई नहीं कहूंगा कि आप फला दुआ पढ़ लें, आप फला काम कर लें। आप कहेंगे दुआओं की कोई अहमियत नहीं? क्या नहीं दुआ की अहमियत है? जो दुआएं मुझे समझ में आती हैं मैं भी रोजाना पढ़ता हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई, इन दुआओं का असर मेरे किरदार के साथ होगा। सुभान अल्लाह। इन दुआओं का असर नहीं होने वाला है। 40 दिन तक तो मैंने कहा झूठे की दुआ कबूल ही नहीं होती है। एक दिन नाऊज़ बिल्ला मैंने झूठ बोल दिया, फिर 40 दिन तक तो दुआ नुज़मा मेरी कबूल नहीं हो रही, बाकी तो छोड़ ही दो। फिर रिवायत है या नहीं है हमारे पास? रिवायत मौजूद है हमारे पास, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फैज़ान मुहतरम उनकी अज़ीम शान कुर्बानियों के सबके में मैं और आप इस फर्श तक आ गए। अब हमारा काम यह है कि हम उनके दर से सीखें, उसको अपने किरदार के अंदर लेकर आए और उनके उस किरदार के ऊपर अमल करते हुए आप यकीन मानिए दुनिया को ये बताना कि अहले बैत की अजमत क्या है, ये बहुत आसान, बहुत आसान काम। अब वक्त ख़त्म हो चुका तो मैं बिल्कुल कोई बात आपकी खिदमत में मज़ीद अर्ज़ नहीं कर पाऊँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ये देखा है कि अगर किसी बंदे का मुझे पता हो कि ये सच बोलता है तो मुसलमान ना भी हो तो मैं उसकी बात पे यकीन करता हूँ, माशाल्लाह मैं उसकी बात पे यकीन करता हूँ। अगर किसी बंदे का ये पता हो, किसी कंपनी का ये पता हो कि एक कंपनी झूठ नहीं बोलती तो उस कंपनी पे लोग एतमाद करते हैं, है ये बात। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग अहले बैत का ये किरदार दिखा रहे होते तो लोग हमसे ना पूछते कि ये किरदार किसका? पूछते हमसे, फिर कोई जरूरत नहीं होती कि हम उनको यहाँ पे घसीट के लाए, वो खुद ही आ जाते हैं यहाँ, खुद ही आते हैं। और ये जो हमारा आप कहते हैं ना कि हम इन मुल्कों में भेजे गए ताकि हम अहले बैत के सफीर बने, वो सफीर लफ्ज से नहीं बन सकते, वो हमें अमल से बनना है। और उन अजीम शान कुर्बानियों को देखते हुए बहुत आपका वक्त लिया, जो एक पॉइंट बस बहुत तेजी से बढ़ाता हूँ मैं वक्त का, मैं मूसा साहब से भी कह चुका लेकिन बहरहाल फिर भी वक्त जा रहा है। ऐसा ये जो सारे किरदार हैं, बीबी का किरदार है, असहाब का किरदार है, इन सब किरदारों के पीछे एक कोई सिफत है। पूरी जिंदगी मेहनत करके कोशिश कीजिएगा कि कोई एक किरदार आपके और मेरे अंदर आ जाए। हजरत हुर का एक किरदार है, इनके पीछे एक सिफत है। हजरत हबीब का एक किरदार है, उनके पीछे एक सिफत है। और दूसरे असहाब करबला के अलावा मालिक अश्तर, ये किरदार का नाम है, इसके पीछे सिफत है। हर किरदार के पीछे एक सिफत है। अपनी जिंदगी में कोशिश कीजिएगा कोई एक असहाब अहले बैत उनका किरदार मेरे और आपका किरदार थोड़ा सा नजदीक हो, या आप में और मेरे अंदर कोई झलक किसी एक किरदार की ज्यादा है, ये कोशिश करते रहिए। और बीवी का जो किरदार है जिसको हम लोग किरदार ज़ैनबी कहते हैं, ये बहुत ही अजीब किरदार। ये किरदार क्या है? मैं नहीं कह सकता क्या है, ये इतना अजीमुशान है कि इसको बयान करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन सिर्फ इशारे की खातिर अगर मैं अर्ज करूं कम वक्त में, तो ये किरदार ये है कि जब दुनिया को ये लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो जो कुछ तुम्हारे पास बचा है उसको लेकर खुदा पे एतमाद करो और अपना काम करो। जब जालिमों जाबरों को ये लगे कि उन्होंने तुमसे सब कुछ छीन लिया,
जाहिर में यही नजर आ रहा है कि सब कुछ छिन गया और बीबी ने देखा कि नहीं सब कुछ छिना है, अभी भी कुछ मैं कर सकती हूँ। जाहिर में कोई वसीला नहीं है, जाहिर में कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, यानी माजरत के साथ जाहिर में सिर्फ बेबसी नजर आ रही थी, लेकिन बीबी ने उस बेबसी को कबूल नहीं किया। बीबी ने खुदा की हिकमत, खुदा की दीवी तकदीर, खुदा की दीवी जुरअत के जरिए से उन हालात में जब कुछ होना नहीं बचा था उस वक्त मैदान जीत के दिखा दिया। और इसकी सबसे बड़ी अलामत मेरा ख्याल में उस वक्त थी जब बीबी यजीद के दरबार में तशरीफ लाई। हम लोग चूंकि बचपने से बात चीजें सुनते आ रहे हैं तो शायद बाद औकात इन चीजों को अपने जहन में अच्छी तरह सोचते नहीं है, लेकिन अगर कभी आप इसको सोचने पर आ जाएं कि कौन सी बीवी थी और किस आलम में लाई गई थी, अल्लाह या अल्लाह, बीवी ने तो कभी तज़किरा भी नहीं किया कि मेरे मौनो मोहम्मद मारे गए, कभी तज़किरा भी नहीं। लेकिन क्या हम भुला सकते हैं कि ये वो माँ है जिसके जवान मारे गए? कोई खातून हो जिसके बच्चे जवान मारे गए हो, उसमें कुछ करने के लिए दम बचता है क्या? और कोई बहन हो जिसके 18 भाई मारे गए, उसमें कुछ करने के लिए हिम्मत बचती है क्या? ये तो बीवी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जिगर था कि जब वो उस जाबिर के सामने तशरीफ लाई और मैं खुद नस्ले सादात में से तो मैं तो दोहरा भी नहीं पाता कि किस आलम में तशरीफ लाई। उस आलम में बीबी तशरीफ लाती है और यकीन का ये आलम है कि यजीद से कहती है तुझे जो मकरो फरेब करना है कर ले, तू हमारा नाम नहीं मिटा सकेगा, जो लानत तेरे नाम के साथ लिखी है ये कभी नहीं मिटेगी, हमारा जिक्र जारी रहेगा। अल्लाह किस जुरअत का इजहार है, किस ताकत का इजहार है बीबी के वजूद के अंदर उन तमाम मसाइब को देखने के बाद। तो आप बीबी के नाम मुकद्दस की खातिर यहाँ तशरीफ फरमा हैं, हम तीन खवातीन के मकरूज हैं, एक बीबी ज़ैनब, एक उनकी वालिदा, एक उनकी वालिदा, हम इन तीन अज़ीमुश्शान बीबियों के मकरूज हैं। अगर मैं तालिबे मुझसे कोई पूछे बीबी ज़ैनब के मसाइब पढ़ो, मेरे पास ताकत नहीं है, जुरात नहीं है, लेकिन आयो बस कमजोरी के आलम में तीन मंजर जल्दी जल्दी दोहराऊंगा। पहला मंजर वो है जब बीबी तल्ले ज़ैनब यहाँ पर खड़ी है, और कुछ नहीं कहूंगा, एक बीबी है जो तल्ले ज़ैनब यहाँ पर है, एक भाई है जो मक्तल में है, और एक माँ है जो दोनों को देख रही है। ये एक मंजर है बीबी के मसाइब का। इधर एक और मंजर असर आशूर का है, जब घोड़ों की नाल बंदी हो रही है, हर जनाजा हटाया जा रहा है और जमीन पर सिर्फ फातिमा के बेटे का लाशा बाकी है, और बीवी तमाम मजलूमियत के साथ पुकारती है, भैया सबका कोई वारिस है तेरा? ये दूसरा मंजर, एक तीसरा मंजर है, एक तीसरा मंजर है, वो भी बड़ा अजीब मंजर है। वो कौन सा मंजर है? वो वक्त है जब बीबियां हमारियों पर सवार हैं, मकतल से गुजारी गई हैं,
बीवियों ने अपने आप को अमारियों से गिराया है। इमाम जमाना ने इसका नोहा पड़ा है जानते नाहिया के अंदर। बीवियां मकतल पर जाती हैं, गोया सैयदुल शुहादा के लाशे पर मातम होना शुरू होता है। एक मौके के ऊपर शिमर या उबैदुल्लाह ज़ियाद इमाम सज्जाद के पास आता है और कहता है बीवियों से चलने के लिए कहो। इमाम सज्जाद अपनी भूपी को मातम करता देखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ये लाइन एक कोड़ा इमाम की कमर पे मारता है, इमाम की कमर खम होती है। फिर ये लाइन एक और कोड़ा मारता है, बार बार कोड़े मारता था। बीबी ज़ैनब तशरीफ लाती हैं, फरमाती है सज्जाद हम चलने को तैयार हैं। ऐसो आखिरी जुमला तमाम कमाई का निचोड़। सैयद सज्जाद फरमाते भूपी आप जाकर मातम करें, सज्जाद कोड़े खाएगा लेकिन हुसैन का मातम होगा। अला लअनतुल्लाह अलकुम ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بَرَّ دِگارہ تجھ واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت اطہار پرچم عزا کو ان کے پیغام کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین و ایمان کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری موت اہل بیت اطہار کی مودت میں موت قرار فرما۔ اے پاک پروردگار اسی دنیا کے اندر ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعزرته الطاهرين۔ اللهم